हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नाज ब्यूटी एंड मेहंदी। मैं हूँ नाज। गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ मेकअप बेस, कैसे आप मेकअप बेस बना सकते हैं। तो गाइस, यहाँ पर मेरे पास ब्लू हेवन का ये मेकअप फिक्सर है और ब्लू हेवन का ही मेरे पास यहाँ पर फाउंडेशन है। आप कोई भी ले सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल हो। तो गाइस, यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करती हूँ ये प्राइमर की। तो काफ़ी अच्छा प्राइमर है ये और सेटिंग मिस्ट भी है। आप इसको एज ए मेकअप फिक्सर भी यूज़ कर सकते हैं, एज ए प्राइमर भी यूज़ कर सकते हैं। फाउंडेशन में गाइस इसके काफ़ी सारे शेड आपको मिल जाएंगे और अलग अलग स्किन टोन के अकॉर्डिंगली आप शेड इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी लग्जूरियस इसकी पैकेजिंग है और आई थिंक न्यूली लॉन्च है, मतलब काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, इतना भी नहीं हुआ, बट काफ़ी अच्छा है, अभी न्यू आया है मार्केट में। तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं, समर के लिए बेस्ट फाउंडेशन है ये। मैट फिनिश देता है आपको और मुझे पर्सनली अच्छा लगा। रीज़नेबल प्राइस पर आपको मिल जाएगा, आफ्टर डिस्काउंट आपको और भी ज़्यादा इसका जो रेट है लेस होके लग जाएगा। आप ट्राई कर सकते हैं, नायका, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, पर्पल पर सभी जगह अवेलेबल है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका दे दूँगी। गाइस, यहाँ पर बात करते हैं मेकअप फिक्सर की। इसकी भी पैकेजिंग काफ़ी लग्जूरियस है और मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये। और गाइस, इसको आप एज ए मेकअप प्राइमर यूज़ कर सकते हैं, देन आप इसको मेकअप फिक्सर भी यूज़ कर सकते हैं। टू इन वन है ये। गाइस, जिनकी ऑयली स्किन है, नॉर्मल कॉम्बिनेशन स्किन वाले भी इसको यूज़ कर सकते हैं। बिकॉज़ कई बार क्या होता है, हम प्राइमर यूज़ कर सकते हैं गर्मियों में, तो उसके साथ क्या होता है, हमारी स्किन जो है बहुत ज़्यादा चिपचिपी हो जाती है, बट इसके साथ बहुत ज़्यादा लाइट वेट आपको फील होगा। ये देखिए, पिंक कलर की इसकी बॉटल है और ये ऐसे स्प्रे करेंगे तो आपका प्रोडक्ट जो है बाहर निकल जाएगा। तो गाइस, सबसे पहले बेस बनाने के लिए आप मॉइस्चराइज़र यूज़ कर लीजिए अपनी स्किन के ऊपर, अपने फेस के ऊपर अच्छे से उसको अप्लाई कर लीजिए। अगर आप टोनर यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी कर लीजिए। देन आपने यहाँ पर प्राइमर लेना है। अपनी स्किन के ऊपर प्राइमर को अच्छे से गाइस स्प्रे कर लीजिए, या आपके पास कोई और प्राइमर है तो आप वो भी लगा सकते हैं। बेस बनाने के लिए प्राइमर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। प्राइमर से जो हमारे जो ओपन पोर्स होते हैं वो बिल्कुल क्लोज़ हो जाते हैं और बिल्कुल भी स्वेटिंग नहीं होती, आपका मेकअप बिल्कुल ख़राब नहीं होता। नेक्स्ट गाइस, मैं फाउंडेशन ले रही हूँ, ब्लू हेवन का फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ मैं। डॉट डॉट करके आपने अपने पूरे स्किन के ऊपर अप्लाई कर लेना है। नेक के ऊपर अप्लाई करना बिल्कुल ना भूलें, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है नेक के ऊपर फाउंडेशन लगाना। स्पंज ले लीजिए, ब्यूटी ब्लेंडर ले लीजिए या कोई ब्रश ले लीजिए, जो आपके पास अवेलेबल हो आप वही चीज़ यूज़ कीजिए। ब्यूटी ब्लेंडर को पानी के अंदर डिप करके अच्छे से एक्सेस वाटर उसका निकाल दीजिए। देन यहाँ पर डैब डैब करके आप पूरे स्किन के ऊपर जहाँ जहाँ फाउंडेशन लगाया है उसको सेट कर लीजिए। हल्के हाथों से आपने उसको सेट करना है। ये देखिए, इतना फ्लॉलेस बेस बन के आ रहा है गाइज। ये देखिए, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। देन गाइज, आप यहाँ पर लूज़ पाउडर या कोई भी पाउडर वगैरह यूज़ कर लीजिए या कॉम्पैक्ट यूज़ कर लीजिए। देन आपने यहाँ पर अपना फिक्सर यूज़ करना है और उसको अच्छे से ड्राई होने के लिए छोड़ देना है। गाइज, आपका बेस बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हैं मेरे दोनों हाथों में डिफरेंट कितना है, कितना ज़्यादा प्रीटी लग रहा है और इतना ज़्यादा फ्लॉलेस बेस बना है। बस आपने ध्यान रखना है, आपने जैसे मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बेस बनाना सिखाया, आपने जस्ट वैसे ही अपने हाथों के ऊपर या अपने स्किन के ऊपर, अपने नेक के ऊपर बेस बनाना है। ब्राइडल बेस भी बना सकते हैं गाइज। अगर आपकी आईज़ के नीचे डार्क सर्कल वगैरह है तो कंसीलर ज़रूर यूज़ कीजिए। आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो गाइज़, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।